जीवित रहेंगे तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, दीक्षित नहीं होऊंगा, मैं आगार छोड़ करके अनगार नहीं बनूंगा, मैं अपनी माता पिता को अपने किसी भी क्रिया और कारण से क्या नहीं कर सकता, दुखी होते हुए नहीं देख सकता। और कहते हैं उस छोटे से वर्धमान ने अभी तो जन्म भी नहीं लिया और पहले ही महासंकल्प कर लिया, अभी तो जन्म भी नहीं लिया और दुनिया को पहला पाठ पढ़ा दिया कि जीवन के अंदर जो जन्मदात्री हैं, जो जन्मदाता हैं, जो जननी हैं, जो जनक हैं, उनको यदि दुख हो ऐसा कोई भी कार्य करना पड़े तो वो क्या नहीं है, करणीय नहीं है, वह करणीय यानी करने योग्य नहीं है। और उन्होंने इस संकल्प से सारी दुनिया को ये पाठ पढ़ा दिया कि इस जीवन के अंदर जन्म देने वाले का अनंत उपकार होता है, जिन्होंने हमें मनुष्य का जन्म दिया है उसका अनंत उपकार हमारे पे है। और ये पहला पाठ प्रभु महावीर ने जन्म से पहले क्या कर दिया, पढ़ा दिया। इस पहले पाठ के द्वारा उस महारानी त्रिशला की खुशियां तो लौट आई, किसी को इस बात का पता नहीं है ये सारी घटना कहाँ घट रही है, भीतर ही भीतर, बाहर कोई नहीं जानता ये वर्धमान कर रहा है, बाहर कोई नहीं जानता कि क्या संकल्प लिया गया है, परंतु वो प्रभु वर्धमान अवधि ज्ञानी है या कोई और ज्ञानी हो तो वो दूसरा व्यक्ति भी जान सकता है कि प्रभु वर्धमान ने कितना महासंकल्प लेकर के माता पिता के प्रति अपना पहला नमन, पहला अपना समर्पण, पहला अपना गुरुत्व का भाव किसके प्रति दर्शाया, माता पिता के प्रति। 6.5 महीने के बाद में समय बीतता चला जा रहा है और वो दिन भी आ गया जब कहते हैं 9 महीने व्यतीत होने को हैं, 7 दिन ऊपर व्यतीत हो चुके हैं, यही चैत्र का महीना आ गया है, शुक्ल का पक्ष आ गया है, त्रयोदशी का दिन आ गया है, मध्य रात्रि का समय आ गया, विजय व मुहूर्त आ गया, आकाश के अंदर सारे ग्रह अपने उच्च अवस्था के अंदर आ गए, चारों ओर दसों दिशाओं के अंदर सुंदर और सुगंधित हवाएं, सुंदर ऐसी पुरवाई चल चुकी हैं। और कहते हैं उस समय महारानी त्रिशला ने बालक को जन्म दिया। बोलिए भगवान महावीर। भगवान का जन्म होता है और तीनों लोक में प्रकाश हो जाता है, तीनों लोक में प्रकाश और जय जयकार हो जाता है। हम इतना तो जय जयकार लगा दे कि इस भवन को तो गुंजा दे। फिर से बोलिए भगवान महावीर। भगवान का जन्म हुआ और तीनों लोक में प्रकाश छा गया। तीनों लोक से मतलब अधोलोक में जो नारकी जीव हैं, पल पल जो दुख भोग रहे हैं, कहीं उन्हें सुख का कोई ठिकाना नहीं है, उन नारकी जीवों को भी क्या मिल गया, प्रकाश मिला, सुख का क्षण मिला, उन देवलोक यानी वृद्ध लोक में भी मिला, मनुष्य लोक में भी मिला। और चारों तरफ प्रकाश छाते ही सब तरफ सूचना अपने आप प्रसारित हो जाती है कि प्रभु महावीर का क्या हो गया, अवतरण हो गया, जन्म हो गया, जन्म तो हो गया, अब मनाना है जन्मोत्सव। और वो जन्मोत्सव सबसे पहले कौन मनाता है और वो जन्मोत्सव सबसे बाद में कौन मनाता है और अब हमारा नंबर कब लगता है, यही हमने देखना है। हमें तो थोड़ी इंतज़ार करनी पड़ेगी क्योंकि पहला नंबर जो है वो लगता है इस जन्मोत्सव के अंदर उन देवताओं से पहले भी, 64 इंद्र से पहले भी 56 दिशा कुमारियाँ क्या मनाती हैं, भगवान का जन्मोत्सव। वह भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए 56 दिशा कुमारियाँ जो ऐसी देवियाँ हैं जो देवताओं के अधीन नहीं हैं, ये स्वतंत्र विचरण करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कुमारी कहा जाता है, ये दिशाओं की मालिक हैं, हर दिशा के अंदर ये रहती हैं, 8 दिशा के अंदर ये 7-7 का ग्रुप बना के रहती हैं, धर्म की रक्षा करने की इनकी भावना रहती है, तीर्थंकर के चरणों में इनका नमन पहला होता है। और वो 56 दिशा कुमारियां जो अपने उस आसन उनके चलायमान हो जाते हैं, उस आधार पे वो जान लेती हैं कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा का क्या हो गया, जन्म हो गया। सबसे पहले ग्रुप्स बना के आ जाती हैं, वो कहते हैं 56 दिशा कुमारियां वो अपने 8 ग्रुप बना करके इस धरती पे आ गई, सबसे पहले पहुंच गई महारानी त्रिशला के चरणों में और जाकर के सबसे पहला नमन किसे करेंगी,
भगवान को बाद में करेंगी, पहले किसे करती है? त्रिशला माता को, कि धन्य तेरी रत्न कुक्षी है, धन्य तेरा जीवन है, कि तेरी इस कुक्षी ने किसका अवतरण किया है? भगवान का अवतरण किया है। और कहते महारानी त्रिशला को वंदन करती हैं, फिर प्रभु महावीर को वंदन करती हैं, और फिर कहते हैं उसी कुंडलपुर नगर के बाहर अपने वैक्रिय शरीर के आधार पे एक उद्यान का निर्माण करती हैं, एक बगीचे का निर्माण करती हैं, बड़ा रमणीय फूलों से सजा देती हैं, चारों तरफ फूल ही फूल हैं और बीच में एक पलना बांध देती हैं। इतना सुंदर आकर्षक नयन मनोहर ऐसा पलना सा वह 56 दिशा कुमारियाँ बांध देती हैं। वह महारानी त्रिशला का सूती का कर्म भी पूर्ण करने वाली ये 56 दिशा कुमारियाँ हैं, चारों तरफ अष्ट मंगल की स्थापना कर देती हैं, हर दिशा में खड़ी हो जाती हैं, कोई दर्पण लेके खड़ी हैं तो कोई वाद्य लेकर के खड़ी हैं, और बड़ी हिल मिल करके वो महारानी त्रिशला को उस झूले में बिठा देती हैं। अभी अवतरित हुए हैं वो प्रभु वर्धमान, उस पलने के अंदर झुलाने के लिए वो 56 दिशा कुमारियाँ इतनी आतुर हैं, इतनी तन्मय हो जाती हैं, अपनी सुध बुध भूल जाती हैं, और उनमें एक होड़ लग पड़ती है कि हम क्या लें, इस प्रभु को गोद में लें, हम इसे खिलाएं, हम ये आनंद मनाएं, हम ये उत्सव मनाएं। और कहते ये पलना इतना सुंदर होता है, यदि इस पलने का आप स्पर्श करना चाहते हैं तो आइए वो पलना कैसे झुलाती हैं, वो दिशा कुमारियाँ क्या बोलती हैं, त्रिशला महारानी कैसे बलैया देती हैं, वो एक भजन के माध्यम से इन दिशा कुमारियों का ये उत्सव हम देखेंगे। मैया झूले पलना
जितना आपको आनंद है उससे हजार गुना आनंद उन दिशा कुमारियों को है। बड़ी तन्मय होकर के तन मन की सुध भूल करके उस प्रभु महावीर और रथ महारानी त्रिशला को झुलाती हुई, बलैया लेती हुई, लोरियां गाती हुई, नयनों में वो पलना फिट बिठाती हुई कि ये पलना जो आज हमें नजर आ रहा है पता नहीं जिंदगी में हमें दोबारा नजर आएगा या नहीं आएगा, उस पलनों को अपने हृदय में बिठाती हुई, नयनों में छिपाती हुई वो महारानी त्रिशला और वर्धमान बालक को बार बार धन्यवाद और अनुमोदन देती हुई वो 56 दिशा कुमारियां प्रभु महावीर का जन्मोत्सव मना करके जहां से चली थी, जिस राजमहल से ले गई थी, उसी राजमहल में महारानी त्रिशला को लाके छोड़ती हैं, सम्मान के साथ लाके छोड़ती हैं, बार बार फिर वंदन करती हैं और जहां से आई थी वहां चली जाती है। नंबर हो गया 56 दिशा कुमारियों का। और अब कहते आसन चलायमान हुए 64 इंद्रों के, वह 64 इंद्रों के आसन चलायमान हुए, सर्वत्र सुघोषा घंटा बज गया, निनाद पहुंच गया, घोषणा हो गई कि इस अवसर पिनी काल के अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक मनाने के लिए कहाँ चलना है। कुंडलपुर नगर में नहीं आते देवता, वो चलते हैं मेरू पर्वत पे। उन देवताओं को मालूम है जन्म कल्याणक वो 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत ऊंचा है, वो मेरू पर्वत जिसके 4 बड़े बड़े वन हैं और सर्वोच्च वन जो हैं वो पंडक वन है, पंडक वन पे पांडुक नाम की शिला है, उस शिला के ऊपर उस प्रभु महावीर का जन्मोत्सव मनाने के लिए देवताओं में बड़ी खुशियाँ हैं, बड़ी होड़ है, बड़ी स्पर्धा है, सब घड़े लेकर के चले हैं, कोई गंगा का जल लाता है, कोई जमुना का जल लाता है, यानी 1,008 कलश जो हैं वो सोने के, 1,008 कलश चांदी के, 1,008 कलश माटी के और जितने भी धातु हो सकते हैं वो देवताओं में चढ़ा ओढ़ लगी हैं, स्पर्धा लगी हैं, खुशियाँ छाई हुई हैं, अपने अपने विमान से निकलते हैं और विमान लेकर के मेरू पर्वत पे पहुँच जाते हैं। कुंडलपुर में आते हैं तो मात्र वो आते हैं जो शक्रेंद्र हैं, जो पहले देवलोक का इंद्र हैं, जो सौधमेंद्र हैं, वह कुंडलपुर के क्षत्रिय कुंड में महारानी त्रिशला के कक्ष में पहुंच गया। जाकर के पहला नमन उसने महारानी को किया, हे महारानी घबराइएगा मत, मैं इंद्र हूँ, मैं शक्रेंद्र हूँ, मैं तेरे पुत्र को ले जाने आया हूँ, क्या जन्मोत्सव मनाने आया हूँ, मेरू पर्वत पे ले जाऊंगा, ये कहकर के माता को आश्वस्त करके और कहते उस समय उसने क्या किया है, अवस्वापिनी नाम की निद्रा में सुला दिया महारानी त्रिशला को। अभी तो सिद्धार्थ राजा का नंबर ही नहीं लगा, हमारा कहां से लगेगा, अभी तो महारानी त्रिशला को अवस्वापिनी निद्रा के अंदर सुला दिया, छोटे से वर्धमान को उठा लिया, उस शक्रेंद्र ने उठा करके बड़े अहो भाव के साथ, धन्य भाव के साथ कि आज मैं कृतज्ञ हुआ, आज मेरा पुण्य उदयमान हुआ कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा को मैं क्या कर रहा हूँ, गोद में ले रहा हूँ, इस अहो भाव के साथ उठा करके ले जाता है मेरू पर्वत के उस शिखर पे ले जाता है, पांडक वन में ले जाता है और उस शिला के ऊपर बैठ जाता है और सारे देवता इंतजार में हैं कि कब अभिषेक होगा, कब जन्मोत्सव मनेगा, किस तरह से हमारा नंबर लगेगा। और कहते हैं ये नियम है कि जब तक शक्रेंद्र जन्मोत्सव ना मनाए, पहला अभिषेक भगवान को जब तक न दे तब तक दूसरे देवता कर नहीं सकते। वो सारे देवता हैरान है, शक्रेंद्र जल्दी क्यों नहीं करते, शक्रेंद्र पहला अभिषेक क्यों नहीं दे रहे, ये क्या सोच में डूबे हुए हैं। और कहते हैं वो क्या सोच में डूबे थे देवता ने नहीं जाना, छोटे से वर्धमान ने जान लिया, उसने समझ लिया, अपने अवधि ज्ञान के आधार पे जान लिया कि ये शक्रेंद्र बाहर को देख रहा है भीतर को नहीं देखता। यदि हम बाहर को देख करके निर्णय लेते हैं तो निर्णय कई बार अधूरे आ जाते हैं, निर्णय शंका पैदा करते हैं, निर्णय अवरोध पैदा करते हैं। और वो शक्रेंद्र का ध्यान प्रभु के शरीर पे अटक गया था, वो शक्रेंद्र का ध्यान ये सारी विधि विधान में अटक गया था और वो सोच में पड़ गया था कि ये किस प्रकार से होगा, कैसे होगा।
होगा, कैसे ये जलधारा इतनी एक साथ प्रभु पे पड़ेगी। और उस वर्धमान ने संशय मिटाने के लिए अब बोल तो नहीं सकता था, कई बार जान सकते हैं पर बोल नहीं सकते, और वो विडंबना बड़ी मुश्किल की है कि जहाँ व्यक्ति जानता हो समझता हो पर क्या ना कर पाता हो, बोल ना पाता हो, वो छोटा सा वर्धमान अवधि ज्ञान के आधार पे शक्रेंद्र की शंका जानता है समझता है पर वो बोल नहीं सकता कि अरे शक्रेंद्र इसमें कोई बात नहीं है, वो नहीं बोल सकता। और उन्होंने वो प्रतीक के रूप के अंदर अपने बाएं पैर का अंगूठे का स्पर्श जो है वो किसको कर दिया, मेरू पर्वत को। मेरू पर्वत को स्पर्श होते ही जिस मेरू पर्वत के लिए शास्त्र कहते हैं ये हिल नहीं सकता, उखड़ नहीं सकता, अकंप रहता है, स्थिर रहता है, निश्चल रहता है, अडोल रहता है, और उस वर्धमान के छोटा सा पिंड, छोटा सा पैर का अंगूठा, और मात्र स्पर्श किया, हिलाया भी नहीं है, मात्र स्पर्श किया है और वो 1,00,000 योजन का मेरू पर्वत हिलने लगा। हिलने क्या लगा, धरती हिलने लगी, धरती क्या हिलने लगी, सागर उछलने लगे, और सारे देवता सोच में पड़ गए, रंग में भंग कहां से आ गया, ये कैसी विचित्र घटना। जन्माभिषेक का महोत्सव मनाया जा रहा है, देवताओं के द्वारा मनाया जा रहा है, ये कैसा अपशकुन है, धरती क्यों हिलती है, सागर क्यों उछल रहे हैं, ये कौन सा भूकंप है। और तब कहते हैं देवता तो क्या अस्थिर होंगे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो किसकी है, वो शक्रेंद्र की है जो बैठा है टोच पे लेकर के, गोद में लेकर के उस मेरू पर्वत पे बैठा है और मेरू पर्वत हिल रहा है। जब बाहर में बात समझ नहीं आई तो शक्रेंद्र ने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, अभी तक देवता बाहरी बार देख रहे थे, उपयोग लगाया नहीं था, शक्रेंद्र ने अपना अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। और अवधि ज्ञान के उपयोग के साथ में उस शक्रेंद्र ने ये देख लिया कि अरे ये करामात किसकी है, ये छोटे से वर्धमान की, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये पिंड बह जाएगा, ये कैसी मेरे भीतर शंका आ गई, क्यों मैं भूल गया, क्यों मैंने इसका शरीर देखा, क्यों नहीं मैंने इनकी अनंत शक्ति की तरफ ध्यान दिया, भीतर ही भीतर मिच्छामि दुक्कड़म कर दिया, उस भगवान से क्षमा याचना कर ली, हे प्रभु मैं आपके अनंत बल को भूल गया, हे प्रभु मैंने आपका शरीर ही देखा, हे प्रभु मेरे भीतर में शंका आ गई, अंदर ही अंदर शंका का आपने मेरा निवारण कर दिया। तुरंत क्षमा याचना करते ही मेरू पर्वत क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब देवता इंतजार में हैं कि कब ये शक्रेंद्र क्या करे, अभिषेक करे और कब उसका नंबर लगे। पता नहीं आपको इतनी इंतजार है या नहीं, पर उस देवी देवताओं को बड़ी इंतजार है। और कहते शक्रेंद्र ने सबसे पहले अपने 4 रूप बनाए, 4 वृषभ के रूप बनाए, बैल के रूप बनाए, उन्नत स्कंद वाले बैल हैं, और वो बैल बड़े सफ़ेद हैं, चमकीले हैं, और उस बैल के जो सिंग हैं वो सिंग मणि रत्नों से जड़ित हैं। वैक्रिय शरीर के आधार पे कुछ भी बना सकते हैं देवता। वो 4 रूप बना करके उस शक्रेंद्र ने, शक्रेंद्र तो लिए हुए हैं भगवान को, और रूप उसने अपने 4 बना लिए वृषभ के, और 4 के 8 सिंग हो गए, और उन 8 सिंगों के माध्यम से धीरे धीरे जल धारा बरसा रहा है, उस प्रभु के ऊपर अभिषेक कर रहा है, जन्मोत्सव मना रहा है। और उसे देख करके सारे देवता बड़े खुश हैं, अनुमोदित स्वर में, प्रफुल्लित स्वर में देख रहे हैं। और तब कहते हैं उसने, उस शक्रेंद्र ने जैसे ही अभिषेक अपना पूर्ण किया कि सारे देवताओं ने एक साथ क्या किया है, अभिषेक किया है, उस वर्धमान का कुछ बिगड़ना नहीं, वो छोटा सा पिंड बाहर में है पर अनंत शक्ति कहाँ है, भीतर में रखी हुई है। ये जन्माभिषेक मनाने के बाद में उस शक्रेंद्र ने देखा कि अब उस भगवान के शरीर को देव दुष्य वस्त्र से क्या किया गया, पहुंचा गया। जो देवताओं का वस्त्र है, रत्न जड़ित वस्त्र है, उस देव दुष्य वस्त्र से भगवान के शरीर को पहुंचा गया, चंदन का लेप लगा दिया गया, फिर भगवान के उस शरीर को सुसज्जित उन्होंने कर दिया। भगवान के आगे 8 मंगल की स्थापना करी, आपके इस नवकार मंत्र में 8 मंगल हैं, 8 मंगलों की स्थापना करी। उस 8 मंगल की स्थापना जो है वो मंगलकारी मानी जाती है। वो मेरू पर्वत पे वो देवता जन्माभिषेक मनाने के पश्चात प्रभु महावीर के इर्द गिर्द वो 8 मंगल की स्थापना करते हैं, और सारे देवता मिलकर के बार बार प्रभु को क्या करते हैं, वो वंदन ही कर सकते हैं।
वो वंदन ही कर सकते हैं, वो कोई नियम तो ले नहीं सकते, वो वंदन ही कर सकते हैं, वो कोई तपस्या तो कर नहीं सकते, वो भक्ति ही कर सकते थे और उत्कृष्ट रूप से भक्ति करते हैं, वंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जय जयकार के नारे लगाते हैं। और इस तरह से वो 64 इंद्र और अन्य देवता मिलकर के मेरु पर्वत के ऊपर प्रभु महावीर का जन्माभिषेक मनाने के बाद में, जन्मोत्सव मनाने के बाद में उस प्रभु महावीर के शरीर को लाके रख देता है शक्रेंद्र कहाँ, महारानी त्रिशला के पास में, कि हे महारानी ये तेरा बालक अब स्वापिनी निद्रा उसकी दूर करी। शक्रेंद्र ने फिर से वंदन किया, पहला वंदन माता को करते हैं और दूसरा वंदन प्रभु को करते हैं, बार बार वंदन और अनुमोदन करते हैं और सारे देवता जहाँ से आए थे वहाँ चले जाते हैं। कुछ देवता भक्ति के अंदर 8-8 दिन तक प्रभु का उत्सव मनाते हैं, उसी धारा में अपना जीवन बिताते हैं और कहते हैं उसके पश्चात अब सूचना मिलती है किसको, सिद्धार्थ राजा को। जो प्रियंवदा नाम की दासी है वो दासी जाकर के समाचार देती है उस सिद्धार्थ राजा को कि हे महाराज आपके इस राजकुल के अंदर, आपके इस क्षत्रिय वंश के अंदर महारानी की रत्न कुक्षी ने बालक रत्न को जन्म दिया है। और इतना सुनना था कि उस सिंहासन पे बैठे हुए थे वो सिद्धार्थ राजा, इतनी खुशी हुई और खुशी के अंदर व्यक्ति बाहर की चीज नहीं देना चाहता, जो उसने धारण की है वो देना चाहता है। जो जितना भी उन्होंने स्वर्ण आदि धारण कर रखा था एक मुकुट को छोड़ करके, क्योंकि मुकुट क्या है राजा का, वो प्रतीक है, उसे छोड़ करके जितना भी आभूषण उन्होंने धारण किया हुआ था वो सारा की सारा तुरंत उतार के किसे दे दिया, उस प्रियंवदा को दे दिया। उसका तो जन्म जन्म का दरिद्र क्या हो गया, धुल गया। और अब सिद्धार्थ राजा जन्मोत्सव मनाएंगे। वो सिद्धार्थ राजा की जन्मोत्सव मनाने की विधि बड़ी सुंदर विधि है, यदि इस विधि को अपना लिया तो आपके बर्थडे भी एक दिन कल्याणक बन जाएंगे। जन्मदिन को यदि कल्याणक दिन में मनाना है तो इस जन्मदिन के साथ में वो अवसर जोड़ने पड़ेंगे, वो विधियां जोड़नी पड़ेंगी, वो रहस्य जोड़ने पड़ेंगे, जिससे जन्मदिन भी कल्याणकारी बन सकते हैं, जन्मदिन भी मंगल बन सकते हैं। वो सिद्धार्थ राजा ने सबसे पहला काम किया, खुशी तो इतनी थी कि सारे कुंडलपुर को क्या कर दिया, सजा दिया, बाहर से नहीं सजाया, अंदर से सजाया। अंदर से सजाने की विधि ये सिद्धार्थ राजा बताते हैं और उन्होंने अपनी खुशी को अपने तक सीमित नहीं रखा, सबसे पहला आदेश दिया कि आज मेरे इस नगर में जितने लोग बंदी हैं उनको बंधनों से क्या कर दो। मुक्ति का संदेश देने वाला पुत्र रत्न आया तो बाहर के भी बंदियों को क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई, बाहर के बंदियों को मुक्त कर दिया गया। और दूसरा आदेश राजा सिद्धार्थ ने दिया कि मेरे इर्द गिर्द, मेरे इस नगर के अंदर जितने भी ऋण के बोझ से दबे जा रहे हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे, कर्ज के कारण से जीवन क्या है बोझ बनता जा रहा है, उन सबको ऋण मुक्त कर दिया, बंधन मुक्त किया, ऋण मुक्त कर दिया। चारों तरफ खुशियाँ छा गईं और कहते हैं जन्म दिवस ऐसा हर्षित होकर के मनाया। उस सिद्धार्थ राजा ने सिर्फ अपने परिवार को बधाई नहीं दी, सिर्फ अपने परिवार को मिठाइयाँ नहीं बांटी, हम तो परिवार तक भी कई बार सीमित नहीं रह पाते, मित्र तक ही सीमित रह जाते हैं। और ये प्रसंग जो हैं वो सिद्धार्थ राजा बताते हैं कि खुशी यदि आई है तो वह खुशी विस्तारित होनी चाहिए। और आप देखेंगे हमारी खुशियाँ संकुचित होती हैं, दुख तो होता है विस्तारित, इतना दुख होगा इतना विस्तारित करके बताएंगे, और खुशी यदि इतनी है तो दिखाएंगे कितनी, कुनमुनि दिखाएंगे। परंतु वो सिद्धार्थ राजा जितनी खुशी भीतर हैं उस खुशी को बांटना चाहते हैं, बंधन मुक्त कर दिया, ऋण मुक्त कर दिया। तीसरा आदेश उन्होंने दिया, मेरे इस नगर के अंदर जितने गरीब हैं, जितने असहाय हैं, जितने पीड़ित हैं, जितने लाचार हैं, जो अपनी आजीविका के साधन न जुटा पाने के कारण, भूख के कारण से सो नहीं पाते हैं, उन सबको क्या दिया जाए, उनको मिठाई बटे तो बात है।
आपके घर में रसगुल्ले बढ़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वहाँ मिठाई पहुँचे जिन्होंने कभी मिठाई का स्वाद ही नहीं देखा। वहाँ मिठाई पहुँचे जो तरस जाते हैं मिठाई का नाम सुनने को, और कहते उन साहब भी गरीबों का, असहायों का, दरिद्रों का, पीड़ितों की पीड़ा को दूर कर दिया किसने? सिद्धार्थ राजा ने। और फिर अपने परिवार का नंबर लिया। परिवार का नंबर तो लेना पर बाद में नंबर, पहले इन सब का नंबर है। यदि इस क्रम से जन्मदिन मनाए जाए तो वो जन्मदिन वाकई में कल्याणकारी बन जाते हैं, और अपने परिवार के अंदर भी खूब बधाई, खूब खुशियाँ, खूब मंगलगान। इस तरह से धाम-धूम से उस सिद्धार्थ राजा ने, महारानी त्रिशला ने अपने परिवार के साथ, अपनी प्रजा के साथ, अपने समाज के साथ दूसरे को खुशी मिलेगी, तब तो वो आपकी खुशी में सम्मिलित होगा। किसी को हमने खुशी दी नहीं और उसको खुशी का आमंत्रण देंगे, वह खुशी खुशी नहीं है। उस खुशी के अंदर तो गमी छिपी हुई है। ऐसी खुशी तो बड़ी तकलादी खुशी है, ऐसी खुशी तो बड़ी टेम्परेरी खुशी है। उस सिद्धार्थ राजा ने ऐसा जन्मोत्सव मनाया कि सब जगह कौन सी लहर बहर आ गई, खुशियों की लहर बहर आ गई। अब अपना नंबर है, अब बताइए क्या करना। अब हमारा नंबर है कि हमने भी आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जिस प्रभु महावीर का अवतरण हुआ है, जन्म हुआ है, सबने खुशियाँ मनाई, अब बारी किसकी है? हमारी। अब कैसे मनाएंगे खुशियाँ? तो ऐसी खुशियाँ मना ले आज के दिन कि ये जन्मोत्सव मनाना न रह जाए, ये जन्मोत्सव क्या हो जाए, अपनाना बन जाए। इस जन्मोत्सव को हम अपना लें, और अपना हम तभी सकेंगे कि इस धरती पे जन्म हो गया भगवान का, कोई बड़ी बात नहीं, भगवान ने तो अपना कल्याण कर लिया। हमारा कल्याण उस दिन होगा कि जिस दिन हम अपने हृदय में प्रभु का जन्म मनाएं, अपने हृदय के अंदर प्रभु को जन्माएं। जब तक अपने हृदय में प्रभु को जन्म नहीं देंगे, वाणी का जन्म क्या करेगा, बाहर की खुशियाँ क्या करेगी, बाहर के राग रंग क्या करेंगे, बाहर का आमोद प्रमोद क्या करने में सक्षम है, कुछ भी नहीं। जब तक हम प्रभु महावीर को अपने हृदय में न जन्मा लें, यदि एक बार प्रभु महावीर का जन्म हृदय में कर लें, हृदय में यदि जन्म हो गया, तो फिर आप देखिए जैसे भगवान का जन्म होता है तो देवता भी उतर आते हैं, और हृदय में यदि भगवान का जन्म आपने कर लिया तो वो मोक्ष भी उतर आएगा। कहाँ? वो मोक्ष भी उतर आएगा, वो हमारी आत्मा भी क्या बन जाएगी, मुक्त बन जाएगी। तो यदि प्रभु महावीर का जन्म हमें सिर्फ मनाना नहीं, मनाने के लिए तो हम कितना मनाएंगे, उस चक्रेंद्र की तरह तो मना नहीं सकते, उस दिशा कुमारी की तरह तो भाव हमारे निकलते ही नहीं हैं, उस सिद्धार्थ राजा की तरह उदारता तो हमारी है ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि अपने हृदय में आज प्रभु का जन्म कर दें। कैसे करोगे? उस महारानी त्रिशला ने जन्म दिया तो 9 महीने तक का कष्ट सहा तो जन्म मिला। हमने यदि अपने भीतर में, अपने हृदय में प्रभु को जन्माना है तो प्रभु जन्म लेने के लिए तैयार हैं, पात्रता तैयार करनी होगी, हमें अपने हृदय को उर्वरित करना होगा। इसीलिए तो 26 जन्मों की कथा सुनी, ताकि हृदय में किसका जन्म हो जाए, प्रभु का जन्म हो जाए। ये हृदय में जन्म ही अपनाना है, ये हृदय का जन्म ही सच्चा मनाना है। और आज के दिन सच्चे हृदय से, क्योंकि हृदय में यदि प्रभु को जन्माना है तो हृदय को साफ सुथरा करना पड़ेगा। बीज यदि किसी माली ने डालने किसी खेत में तो जमीन को साफ सुथरा करना होता है। हृदय में प्रभु का जन्म आज वाकई में कर लेना है तो हमने अपने हृदय को स्वच्छ बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा, स्पष्ट बनाना होगा, और सारे राग द्वेष हटाने पड़ेंगे। सारे जितने वैर की गांठें भीतर में हैं वो सारी गांठें निकालनी होगी, 84 लाख जीवा योनि के साथ क्षमा याचना करनी होगी, और सब इस 14 राजू लोक के अंदर जितने जीव हैं आज के दिन उन सबको शुभकामना पत्र लिखना है। शादी आती, पार्टी आती है, कितने लग जाते हो, 2-2 महीने से तैयारियां करते हो लिखने की। अब ये पत्र लिखने होंगे, कौन से पत्र लिखने हैं, ये किसको लिखने हैं? 14 राजू लोक में अनंत जीव है, उन अनंत जीवों को ये प्रभु महावीर का जन्म आज मेरे हृदय में हो गया, इसकी सूचना देनी है कि मेरे हृदय में मैंने आज जन्म कल्याणक
के अवसर पे प्रभु महावीर का जन्म अंदर में कर दिया। कैसे लिखोगे लेटर? लेटर लिखने का बड़ा सुंदर तरीका है, आसान तरीका है। बाहर के लेटर की तरह ये लेटर नहीं लिखे जाते, कहीं पोस्ट भी नहीं करने पड़ेंगे, पोस्ट करने के बाद मिले कि नहीं मिले आशंका भी नहीं रखनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट स्विच है, ये डायरेक्ट करंट है, ये डायरेक्ट ऐसा कुछ कीमिया बना हुआ है कि हम एक साथ एक एक लेटर भी नहीं लिखना पड़ेगा। इतना टाइम आपके पास में नहीं है, परंतु भीतर में प्रभु को वाकई में जन्माना है तो वो लेटर तैयार करिए, और वो लेटर भीतर से तैयार करना है। वो लेटर मन की कलम से लिखना है, बाहर की कलम से नहीं, मन की कलम से लिखना है। भावों की स्याही अंदर डालनी है, वो भावों की स्याही हो, मन की कलम हो, हृदय का वो पटल हो, और लेटर लिखना है उन 14 राजू लोक के अनंत अनंत जीवों को कि हे अनंत जीवों, आज के अवसर पे हम तुम्हें बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, आज के अवसर पे हम तुम्हें बधाई देते हैं, तुम्हारे लिए शुभ कामना लिखते हैं। चाहे तुम नरक गति में हो तब भी तुम्हारा मंगल हो, तुम त्रियंच गति में हो तब भी तुम्हारा कल्याण हो, तुम स्वर्ग के अंदर हो तब भी तुम्हें मोक्ष मिल जाए। जो मनुष्य जन्म में है उन तमाम जीवों का कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको बोधि मिले, सबको समाधि मिले, सबका चित्त आनंदमय हो जाए, सबको वो पद मिल जाए जिस पद से स्थिर लक्ष्मी मिलती है, महालक्ष्मी मिलती है। वो शिव मयल मरु मणंत मखय मब्बावाह, ऐसा वो पद उन तमाम जीवों को मिल जाए, समस्त जीवों को मिल जाए। और ये लेटर तैयार कर लीजिए, और एक क्षण के अंदर अपने इस वाणी के माध्यम से, पोस्ट हमारा वाणी है, इस वाणी के पोस्ट से इस 14 राजू लोक में जितने लेटर भेज सकते हैं उतने लेटर यहाँ बैठे बैठे लिख लीजिए, क्योंकि बात का तो भरोसा नहीं। अभी तो संगत में बैठे हैं, नीचे तो पंगत में चले जाओगे फिर कोई भरोसा नहीं। अभी संगत में बैठे हैं, अभी भाव उर्वरित हैं, अभी उस शक्रेंद्र के, उस दिशा कुमारियों के भाव नहीं देखे, उस सिद्धार्थ राजा का दिल नहीं देखा, ऐसे भाव भीतर में उर्वरित हैं। और इस उर्वरित भाव की इतनी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, हाईएस्ट ग्राफ कर दीजिए, पूरा अहोभाव भीतर में भर दीजिए, तन्मय हो जाइए उन 14 राजू के जीवों के साथ में, क्षमा भाव और मैत्री भाव से भर जाइए, और फिर बधाई दीजिए, वरना पोस्ट नहीं होएगा। लिख तो लोगे, पोस्ट नहीं हो सकेगा, इसलिए पूरे मन वचन और काया, शरीर के 3.5 करोड़ की रोम राशि है, एक एक रोम में महावीर 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 भर लीजिए, एक एक मन के कोने कोने के अंदर वो जन्म कल्याणक के शुभ अवसर के भाव भर लीजिए, और उस तीव्रता के साथ और शरीर की पूरी शक्ति लगा करके किसी को आवाज़ देनी हो कि वो मेरी आवाज़ सुन ही ले तो कितनी ताकत लगाते हैं आप, और यहाँ सारी ताकत छोड़ के आते हैं, जहाँ भगवान के जयकारे की बात आए, बधाई देने की बात आए, और सारे शक्तिहीन हो जाते हैं, जबान पे भी लगाम लग जाती है, पूरे भावों के साथ तन्मय होकर के, और इतनी तन्मयता के साथ, इंटेंसिटी के साथ, और अपने उस शुभ भावों का ग्राफ बढ़ाते हुए समस्त राजू लोक में बधाई पहुंचाएंगे तो आपका जन्मदिन अपनाया जाएगा। वरना तो इतने साल हो गए मनाते हुए, मनाते हुए साल हो गए, अपना ना है, प्रभु का जन्म भीतर हो चुका है। याद रखिएगा, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं, अब जहाँ भी जाएंगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो गई, क्योंकि अंदर में कौन है? महावीर है, अंदर में वह महावीर हैं, हृदय में महावीर का जन्म हो चुका है, उस महावीर के जन्म पे जो किया जाता है वही हर जगह करना पड़ेगा, बाकी सबकी क्या हो जाएगी? निवृत्ति हो जाएगी, शुभ में हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो बड़ी तन्मयता के साथ स्वर मिला दीजिए, जन्म दिन वीर का सबको बधाई हो, जन्म दिन वीर का सबको बधाई हो, खुशी सब दुनिया में छाई, बधाई हो, 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 बधाई हो।
चौदह राजू लोक के जीवों को आपकी बधाई पहुंच गई होगी इस भावों के साथ, और न पहुंची हो तो अभी भी वक्त है, सारा दिन वक्त है, चैत्र सुदी तेरस भी रहनी है। और अब जब प्रभु का जन्म अंदर ही बना लिया, अंदर ही हमने प्रभु को जन्मा लिया, तो हर दिन बधाई है, हर क्षण बधाई है। उन सारे जीवों के साथ मंगल मैत्री के तार हम स्थापित करें, और तभी ये भगवान का जन्म मनाना और भगवान का जन्म अपनाना हमारा सार्थक हो सकता है। सिर्फ एक दिन से नहीं, हर दिन से इसकी कड़ी जोड़नी पड़ेगी। पहला कदम रखते ही मंजिल तो नहीं आ जाती, पर पहला कदम ये विश्वास दिला देता है कि पहला कदम दूसरा कदम बनता ही है। एक पैर यदि उठ गया तो दूसरा पैर ऑटोमेटिक उठना है, और फिर तीसरा पैर यानी पहला पैर उठना है, और इस तरह से हमारा मार्ग मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इस जन्म दिवस के अवसर पर, इस जन्म कल्याणक के अवसर पर प्रभु को भीतर में जन्माते हुए क्या प्रभु ने हमें संदेश दिया है, उस संदेश को ता जिंदगी अपनाना पड़ेगा। प्रभु ने हमें क्या दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने हमें दिया है वो हमें अपनाना है। उन्होंने हमें संदेश दिए हैं, उन्होंने हमें सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने हमें अपनी वाणी के माध्यम से वो दिल के तार जोड़ने की कलाएं बताई हैं। और यदि आप चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं, आज यदि भाव आपके बन गए हैं और आपने हृदय में प्रभु को जन्मा लिया है और 14 राजू लोक के जीवों के साथ मैत्री भाव स्थापित कर लिया है, अब इसमें टिकाव रहे, क्योंकि बनाव तो बनते हैं पर टिकाव नहीं रहते। प्रॉब्लम तो ये है, बनाओ तो बन जाते, क्योंकि आयोजन प्रयोजन करने में हम बड़े कुशल हैं, इतने कुशल हैं कि जितने प्रयोजन आयोजन जुटाने होंगे, संयोजन, हम बड़े कुशल हैं। बनाओ तो बनाए जाते हैं पर टिकाव नहीं आ पाते। अब यदि आप चाहते हैं बनाओ बन गया, टिकाव भी रहे, ये भगवान की वाणी हमारे भीतर के घट में भरी रहे, तो आप जानते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रक्रिया को जानता है कि यदि बारिश आ रही हो थोड़ी देर के लिए है, अब ये भगवान की वाणी की बारिश भी है तो थोड़ी देर की है, लिमिट है हमारी भी बोलने की, ये बारिश धारा क्या होएगी, एक दिन समाप्त खत्म होएगी। तो बारिश आती है और चली जाती है, ये हर बुद्धिमान जानता है, पर हर समझदार इस बात को जानता है कि ये बरसा हुआ अमृत यदि मुझे अपने पास संजो के रखना है तो समझदार के पास में साधन है। कौन सा साधन है? वो चाहता है कि बारिश अमृत की हो रही है, बारिश का समय है, मर्यादा है, बारिश आएगी चली जाएगी, वो अपने घर में हरदम बारिश रखना चाहता है तो उसके पास कौन सा किमिया है? घड़े का किमिया है। वो चाहता है कि मैं अपने घर का एक घड़ा निकालूं, बारिश में रख लूं, ये भर जाएगा, बारिश भले ख़त्म हो जाए, मेरे पास में क्या संजोया रहेगा? अमृत। निकालेंगे कोई घड़ा अंदर से? ऐसा घड़ा निकाल के आइए, क्योंकि घड़े तो बहुत निकाले, आज तक नहीं निकाले ऐसी बात नहीं है, घड़े तो बहुत निकाले आपने, पर बारिश के अंदर घड़े हमेशा हमने उल्टे रख दिए। उल्टे रखने से धारा तो बरसी, घड़ा बाहर से तो साफ हुआ पर भीतर से साफ न हो सका, इसलिए ऐसा घड़ा निकाल लीजिए जो कैसा हो, सीधा हो, और सिर्फ सीधा ही ना हो, कई बार सीधे घड़े भी रखे हैं परंतु नीचे छेक रख दिए। अमृत तो उसके अंदर पड़ा, बरसा, पर घड़ा भर ना सका, क्योंकि घड़े से क्या हो गया, छलक गया, निकल गया। तो घड़ा ऐसा संजो के लाइए जो घट सीधा हो, जिस घट के अंदर छेक ना हो। और एक शर्त और है, एक शर्त और है, कई बार घड़े में छेक नहीं है और घड़ा सीधा भी है, परंतु घड़ा यदि गंदगी से भरा हुआ है तो अमृत क्या हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए, आज वो घड़ा निकाल लीजिए घर का जो बड़ा साफ सुथरा है, उसको सीधा रखना है, उसके कोई छेक ना हो और कोई गंदगी उसमें भरी हुई ना हो। वो घड़ा बाहर नहीं मिलता, बाहर नहीं मिलता, आपके घर में भी नहीं है, आपके भीतर में ज़रूर है। कौन सा घड़ा है वो?
वही तो हृदय का घट है, वही तो हृदय का घट है। आज इसको सीधा कर लीजिए, आज इसके छिद्र विकारों के बंद कर लीजिए, बाहर की सारी गंदगी हटा लीजिए और ये प्रभु महावीर की कथा की वाणी की वर्षा क्या कर लीजिए, संजो लीजिए, ताकि ये घट, ये अमृत घट आपके भीतर में संजोया रहेगा और उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि सभी हेल्पलाइन पे जाना चाहते हैं आजकल। ये हेल्प मिल सकती है आपको और वो हेल्प आज आपको सुविधा के रूप में मिल रही है कि प्रभु की वाणी हृदय के घट में यदि संजो के रखनी हो तो एक ऐसी उनके वाणी की, इस पुस्तक का नाम ही है जीवन पाथेय। पाथेय का अभिप्राय है कि ये जीवन मंजिल नहीं है, मार्ग है, मार्ग अकेले पार नहीं होते, उसके लिए भाता चाहिए, खाना पीना कोई साधन चाहिए, उस साधन को पाथेय कहा जाता है। ये पाथेय ऐसा है, ये यदि आपने अपने हृदय के घड़े में इस पाथेय को भर लिया तो प्रभु का जन्म जो भीतर में हो चुका है, वो जो बनाव बना है, वो ये टिकाव रहेगा। इस टिकाव के लिए इसमें भगवान महावीर के सिद्धांतों को ही सरल भाषा के अंदर, स्पष्ट शब्दों के अंदर, मनोवैज्ञानिक शैली के अंदर वो पुट दिया गया है। इसमें 50 प्रवचन हैं जो जिन वाणी का ये गुलदस्ता है, जिन वचन इसमें 50 हैं। साधु संतों के योग प्रतिदिन मिले कि ना मिले, परंतु पुस्तकों के योग तो प्रतिदिन मिल सकते हैं। यही वो घट है, यही वह घट है जिसमें आप अमृत भर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अमृत भर सकते हैं। इसमें 50 प्रवचन हैं, जिन वाणी का गुलदस्ता है, आपने इसे भीतर में संजो के रखना है, भगवान की वाणी का बनाव टिकाव के रूप में लाना है। तो आज से संकल्प करें, इसको पढ़ेंगे और इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये महावीर जयंती अपनाना हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। प्रभु का जन्म हमारे भीतर में इतना अमर हो जाएगा कि ये उम्र चाहे बीत जाए परंतु दूसरी जिंदगी भी मिले तब भी प्रभु हमारे साथ चले। ये संकल्प आज दोहरा लीजिए, इतना दृढ़ संकल्प और संस्कार जमा लीजिए कि चाहे हम इस जन्म से क्या हो जाए, दूसरी गति में चले जाए, दूसरे जन्म में चले जाए, पर प्रभु महावीर हमारे साथ चले। जो जन्म हमने अपने हृदय में भगवान का किया है वो हमारे जन्म जन्म तक, तब तक साथ चले, तब तक साथ चले जब तक हमारी आत्मा परमात्मा न बन जाए, हमारी आत्मा मनुष्य से महामानव न बन जाए, नर से नारायण न बन जाए, जन से जिन न बन जाए, तब तक ये प्रभु महावीर हमारे साथ साथ चले। इसी संकल्प और शुभ भावों के साथ ओम शांति। प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं, एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यूटर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। धर्म प्रेमी बंधु, माताओं एवं बहनों,
भगवान महावीर जन्म कल्याणक के उपलक्ष में हम सब ने जाना कि प्रभु महावीर का जन्म कुंडलपुर नगर के अंदर वो महारानी त्रिशला की कुक्षी से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ, और यूँ देखा जाए तो जन्म लेना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। जन्म लेना एक साधारण घटना है, जन्म लेना इतनी सामान्य घटना है जैसे एक दीपक का जल जाना, जन्म लेना इतनी साधारण घटना है जैसे एक फूल का खिल जाना। जिस दीपक को तेल मिल गया, बाती मिल गई और निमित्त मिल गया अग्नि का, और वो जल गया, बस इतनी ही घटना है जन्म की। परंतु वो जन्म महत्वपूर्ण है, वो दीपक महत्वपूर्ण है, जो एक बार जल जाए तो फिर क्या ना हो, बुझे ही ना। वो फूल खिलना महत्व रखता है, जो एक बार ऐसा खिल गया कि कभी मुरझाए ही ना। और वो जन्म महत्व रखते हैं जिस जन्म के अंदर सीधा निर्वाण का लक्ष्य बन जाए। वो जन्म महत्वपूर्ण है जिस जन्म के बाद दोबारा जन्म लेना ना।